इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये दुनिया भर में जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस घर में जिस जगह में देख रहे हैं, वहां तेरे नाम की महिमा इनके द्वारा प्रकट होने पाए। पिता मेरे पियो, घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आंसुओं के गिराते हुए। वो आपके आंसुओं को देखेगा, आपकी गिराहट को, चिल्लाहट को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु जी ये प्रार्थना जिस घर में जिस जगह में चले पिता, जो भाई बहन सुन रहे हैं उनका जीवन प्रार्थना के द्वारा परिवर्तन होने पाए, बीमारियां इनके शरीर से जाने पाए। ये दुनिया भर में जहां भी रखकर देख रहे हैं पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोरी और दुर्बलता इनके शरीर से मसीह के मधुर और मीठे नाम से साथियों पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए उन सारे भाई बहनों को प्रार्थना करने जा रहा हूँ जितने भाई बहन प्रार्थना निवेदन भेजे हैं। जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, उन सारे समस्याओं बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में क्लेम कीजिए कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए की जा रही है। और कह रहा हूँ जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में क्लेम करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा को देने जा रहा है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए मेरे पियो। जब विश्वास करेंगे, आशीष के दरवाजे, चंगाई के दरवाजे, छुटकारे के दरवाजे, उद्धार के दरवाजे खुल जाएंगे हमारे लिए। हम दुखों में, हम कष्टों में, समस्याओं में हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। राजा दाऊद भी जब समस्याओं में पड़ा हुआ था, कष्टों में प्रार्थना में पड़ा हुआ था, शत्रु उसको चारों तरफ घेर के बैठे थे, उन समस्याओं में, उन कष्टों में, उन प्रॉब्लम्स में वो परमेश्वर के सामने गिरा कर आंसुओं के साथ है प्रार्थना करता है, दुआ करता और कहता है जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मार्ग मुझे दिखा दे। आपके जीवन रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, कहीं रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज की सुबह आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाइए। परमेश्वर आपके रास्ते को दिखाएगा, बंद रास्ते को खोलेगा और आपको जहां जाना है वो अपनी इच्छा के अनुसार आपको वहां पहुंचाएगा वो अपने मार्ग के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना कौन बॉस में या फिर व्हाट्सएप भेजी, हम हमारी मिस्ट्री ब्रबोज के साथ प्रार्थना करता है। तो आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घरों में क्लेम कीजिए। हालेलुया 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 बारी बाहुला रा बारी करा बारिक तम जायम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्य यीशु राजा। मेरे पियो मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर एक बातों के लिए। प्रस्थितियाँ हमारे भी पीठी क्यों ना हो, उन समस्याओं में, बीमारियों में, कष्टों में, चिंताओं में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे पियो आप प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगी, आप उसकी आशीष को प्राप्त करेंगे। जब हम कष्टों में, समस्याओं में हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाएंगे। ओ राबा सिखा राबा। धन्य ईश्वर राजा पिता, एक नया दिन दिया, धन्यवाद रात सुनाई दिया, एक नया दिन दिखाया, जो तुम्हें जीत रखा पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में, जिस जगह में चरी है, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी वहां अद्भुत कार्य, चमत्कार तेरे नाम से होने पाए खुदावन। दीमा कार्य मगवाए में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं कार्यों में सफलता प्रदान करे पिता परमेश्वर। जो कोई पिता जो कार्य करने जा रहे हैं उन कार्यों में तो सफलता देने जा रहा है धन्यवाद। जिनके पास जॉब नहीं है पिता, और जॉब के लिए पिता परमेश्वर जा रहे हैं सर्च करने या खोज करने पिता परमेश्वर, और जहां भी जाते हैं पिता, इनकी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए। मांगने से अधिक, योग्यता से बढ़कर इनको तू आशीष देने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, नामे। धन्येश राजा। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो आज की सुबह पिता परमेश्वर किसी बातों को लेकर पिता वो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, उनके जीवन के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, समस्याएं चारों तरफ घिर के बैठी है, जिस कारण बस उनका जीवन पिता चिंताओं में डूबा हुआ है। मेरे पियो मैं आज की सुबह आज के दिन आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारी चिंता लेने के लिए तैयार है। केवल हम विश्वास के साथ उसके पास आए, अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपना बोझ उस पर डालकर हम
मुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए। आज तक आपने चिंता करके देख लिया है, आपकी चिंताओं से, चिंता करने के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन मेरे पियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चिंता करने से आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है, समस्याओं का समाधान मिलता है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप दिन रात 24 घंटा चिंता करिए और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लीजिए। लेकिन अगर चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, आपके बंद रास्ते नहीं खोलते, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार से, जिस चिंतन से आप चिंता किए थे, जिस मन की गहराई से आप चिंता करके बैठे थे, उतनी मन की गहराई से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उतने मन लगाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके हर चिंताओं को दूर करेगा, बंद रास्ते को खोलेगा, जो भी आपके रास्ते बंद चुके हैं वो खोलेगा और आपके समस्याओं को आपके जीवन से निकालेगा। पिता, इन सारे भाई बहनों को प्रार्थना करते, जो भी समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याएं तेरे नाम से दूर होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, चिंताओं को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इन सारे भाई बहनों को तो आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा, धन्य ईश्वर राजा। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं, पिता सालों महीनों दिनों से बीमार पड़े हैं, बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही है, दवाई खा के थक चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, वो थके माए तेरे पास आए हैं, तो वचन कहता है, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। प्रभु जी, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये हर जगह थके मांदे आए हैं, लेकिन ये तेरे पास विश्वास के साथ आए हैं, कहीं प्रार्थना को देखे हो, कोई इनको भेजा हो, कोई वचन सुनाया होगा, पिता ये विश्वास के साथ तेरे पास आया, जो विश्वास के साथ आता है वो कभी भी खाली हाथ से नहीं जाता, पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितना बड़ा इनका विश्वास है उतने बड़े इनको आशीष दे चुका है, तो वचन कहता है, जा जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो गया है। इनके लिए हम बड़े बोझ के साथ तेरे चरणों में आकर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, इनकी प्रार्थना आज के दिन पिता स्वर में गहन योग होने पाए खुदावन। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, मेरे पियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसुओं के गिराते हुए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, आप घुटने पे नहीं आ सकते हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे जिस प्रकार से प्रार्थना करने में सामर्थ्य आप है, उस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। लेकिन जब प्रार्थना करें सच्चे मन सच्चे दिल से प्रार्थना करें, क्योंकि सच्चाई के साथ की हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर देता है। हम सच्चाई ईमानदारी के साथ सच्चे मन सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हमारे अंदर जो करवाहट जो नफरत है उस सबको निकाल फेंके, हमारे अंदर यीशु मसीह का वचन उसका स्वभाव हमारे अंदर झलकना चाहिए। मेरे पियो, जैसा उसका स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये दुनिया भर में जहां रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस घर में जिस जगह में देख रहे हैं, वहां तेरे नाम की महिमा इनके द्वारा प्रकट होने पाए। पिता मेरे पियो, घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आंसुओं के गिराते हुए वो आपके आंसुओं को देखेगा, आपकी गिराहट को चिल्लाहट को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जीवन भर में जो भी पाप गुनाह किए हैं आपने, उन सारे पापों गुनाहों के खातिर आप उससे माफ़ी मांगे, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए, उसके वचनों पर चलिए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह को मरम जिलाया है तो आप निश्चित उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के लिए मुझसे पापों का अंगीकार करना होगा, उसको जो उनका उद्धारकर्ता से उकार करना होगा। मेरे पियो, दयालु परमेश्वर है, वो अपने लहू से धो कर शुद्ध पवित्र करेगा और हमें अपने राज का वारिस बनाएगा। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये प्रार्थना जिस घर में जिस जगह में चले पिता, जो भाई बहन सुन रहे हैं उनका जीवन प्रार्थना के द्वारा परिवर्तन होने पाए, बीमारियां इनके शरीर से जाने पाए, ये दुनिया भर में जहां भी रख कर देख रहे हैं पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हाथों इनके पैरों में नया बल नया शक्ति नए सामर्थ्य जाए, हर एक कमजोरियां और दुर्बलता इनके शरीर से इसी क्षण दूर होने पाए। ग्लोरी रबा सिखराबा हूल रबा रिखराबा रक्तम जयम धन्य ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, तेनाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा, तेनाम की महिमा, धन्य ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हल्लेलुया। बारी बाबा रिख तम जायम, धन्य पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना को देखते हैं, इस शरीर से बीमारी निकलने पाए, इनके शरीर में एक नया बल नया सामर्थ्य आ जाए, हर एक बीमारियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं, इन सभी बीमारियों को चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं, बुरी आत्माओं, कार्य की आत्माओं में फंसे हुए, जिस कारणवश घर में अशांति की आत्माएं कार्य कर रही,
रही है, इनके लिए प्रार्थना करती है। प्रार्थना जिस घर में चली वहाँ तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, वहाँ उद्धार आने पाए, हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धार करता से उकार करने वाले हो जाए। आज की सुबह इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन घरों में प्रकट होने पाए। जिस घर में प्रार्थना चल पिता, जो भाई बहन सुन रहे हैं और जो पिता परमेश्वर जिनके कानों में पड़ रहा है ये प्रार्थना, उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए, वो मुझसे अंगीकार करने वाले हो जाए कि यीशु ही प्रभु है। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में छुटकारे की घोषणा कर, अंधकार की आत्मा, दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्माएं इनके जीवन से इसी क्षण निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम छुटकारे की घोषणा करते, वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उजाला, वचन का सामर्थ्य इनके जीवन प्रभावित हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते। जो विदेश में रह कार्य करते प्रार्थना करते, जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता परमेश्वर, जो को बीमार है तेरे नाम से इसी क्षण चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से दूर जाने पाए पिता, जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है हर एक समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, इसी क्षण तेरे नाम से समस्याएं दूर होने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, जॉब की समस्याएं, वीजा की समस्याएं, पासपोर्ट की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। इनके घर पर वालों के लिए प्रार्थना करते, जहां भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, वो दवाई खा के थक चुके, डॉक्टर दिखा के थक चुके, डॉक्टर जवाब दे दिया है, लेकिन मेरे पियो डॉक्टर जवाब दिया है, लेकिन जीतो का परमेश्वर का जवाब अभी आना बाकी है। आप उस पर भरोसा करने वाले हो जाए, जिस प्रकार से आप भरोसा कर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से भरोसा आपका बस यीशु पर होना चाहिए, बल्कि उससे भी अधिक परमेश्वर प्रवेश मसीह हमें उस समस्याओं से निकल बीमारी चंगाई देगा, क्योंकि वह संभव को संभव करने वाला जीवित परमेश्वर है। इन सारे भाई बहनों को पिता हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं, इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। जो सुखों में पड़े, दुखों में पड़े हुए हैं पिता, उनका सुख चैन खो चुका है, हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनका मन पिता दुखों से भरा हुआ है, इस प्रार्थना को देखते हैं, उनके अंदर एकांत की भरपूरी आ जाए, उनके शरीर से पिता परमेश्वर हर एक कमजोरियां दूर होने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, वहां सुख शांति आने पाए, बरकत आने पाए, आशीष आने पाए पिता, अशांति वाली बात, लड़ाई झगड़े का आत्माएं इनके जीवन से, घरों से इसी क्षण निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष के के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं, इनका शोक त्रिवचनों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा आनंद में इसी क्षण बदलने पाए। इन सभी को आशीष दिया, धन्यवाद। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए, भेंट दास से दशमांश भेजे पिता, उन सभी को तू आशीष प्रदान करें, और जितना बीज बोते पिता सौ गुना कटने काटने जा रहे, धन्यवाद देते हैं। इनके सैलरी बीजने शॉप में हम तेरे नाम से पिता हम आशीष को छोड़ते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितना कमाते हैं फलवंत होने पाए, फालतू खर्च की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए, इसी क्षण तेरे नाम से पिता हम इनको आशीष की घोषणा करते, बंद रास्ते खुलने पाए, जो बंधवाई बंधे उनको बंधवाई समझ आदि के छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर एक बंद रास्ते खुलने पाए, जो बीमार हैं घरों में तेरे नाम से इसी क्षण चंगे होने पाए। इन सभी को चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं, सारा आदर महिमा प्रशंसा अर्पित करते हुए धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में तेरी सभा प्रकट हो जाए, प्रभा देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चेरे पिता, वहाँ तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए, घर को चाहो तरफ छोड़ने बांधते हैं, हर एक जनों को, व्यक्तियों को, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, घर के परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी, अपने पंगों की आड़ में छुपा रहे, दिल लोग इनको आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, जो पढ़ाई करते पिता लंबे समय तक पिता परमेश्वर, इनको याद रखने में पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इनको तू पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से तृप्त कर पिता, ताकि आगे जाकर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, यही प्रार्थना करते। अब तक हम सबको संभाले रखा पिता, धन्यवाद। आगे हम सबको संभाले रख, दुर्गा बीमारी महामारियों से हम सबको बचाए रख, हर एक आशीष से तुरे स्वर्ग से पूरा करते आया है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, और आगे पूर्णता पूरा करते रहेगा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम जीवित पाए गए हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। दिन भर कार्यों में अगुवाई कर, सहायता कर, जहां कार्य करने जाते इनके आने जाने में सहायता प्रदान कर, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। मेरे पियो, हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखें कि प्रार्थना मेरे घर और मेरे परिवार के लिए की जाए, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं, बिना विश्वास उसे हम प्रसन्न कर ही नहीं सकते।
विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए हम विश्वास करें और हम अपनी आशीष चंगाई छुटकारा को हम प्राप्त करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन सार 100 गुना वापस करें। गॉड ब्लेस यू।